कैबिनेट की बैठक में इन लोग की जो कुछ प्रस्ताव जो थे उसको पारित कर दिया गया है, हालांकि संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन किस तरह का माहौल है, किस तरह का मूवमेंट बना कल का जब कैबिनेट में लोगों के जो बातों को थोड़ा बहुत सुना गया? जी, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे सहायक पुलिस कर्मी आंदोलन जो पिछले लंबे समय से आंदोलन रहे थे, आंदोलन के 67 दिन दिन रात कड़ी मेहनत के परिणाम स्वरूप जो है कि इतिहास में पहली बार आंदोलन का अभी तक जितना भी मांगा जाता था अब तक जो है कि लिखित रूप से या तो मौखिक रूप से आश्वासन दिया जाता था, लेकिन इस बार कैबिनेट से पारित किया गया है। हालांकि अभी सभी मांगे नहीं मानी गई है, लेकिन जो भी मांगे मानी गई है या ठोस रूप से मानी गई है यह महत्वपूर्ण है, इसको कैबिनेट से मुहर लग गया यह महत्वपूर्ण है। और इसको लेकर के हम जितने भी सहायक पुलिसकर्मी हैं इसको हम धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आज 67 दिन जो दिन रात एक करके बिताए, आपका मोराबादी में बिताए, भारी बारिश के बीच बिताए, वहाँ दिन रात छोटे छोटे बच्चों को लेकर के खुले आसमान पर बिताए, आज कई दिनों से यहाँ देख रहे हैं कि ओपनली कितना कुत्ता भी घूम रहे हैं, इन्हीं बीच में रह करके खाना खा रहे हैं, इस कड़ी समय को, इस कठिन समय को झेलते हुए बिताते हुए 67 दिन तक इन लोग ने अपना कर्मठता का परिचय दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज सरकार को पहल करना पड़ा, सरकार की तरफ से सकारात्मक पहल करते हुए विचार करते हुए कुछ मांगों को माना गया, इसको लेकर के यह बहुत अच्छा पहल है सरकार का, सरकार को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज 2100 परिवार जो भटक गए थे, जो असहाय महसूस कर रहे थे, वो 2100 परिवार में आज मुस्कान आया है। इन तमाम सहायक का जो ट्रेनिंग था, जो हुनर था, इस हुनर को अगर अपने मुख्य मार्ग पर काम नहीं करते और मुख्य मार्ग पर भटकते तो लोग अगर गलत मार्ग पर जाते तो पूरे झारखंड समेत पूरा समाज तबाही हो सकता था। और इसको लेकर के हमारे पूरा जैविक संगठन को भी धन्यवाद देते हैं, जो मोराबादी मैदान का आवाज़ को जो है कि पूरे 2400 जिलों तक पहुंचाया गया। साथ ही साथ हम तमाम प्रेस मीडिया के साथी को भी धन्यवाद देते हैं, अधिकारी पदाधिकारी को भी धन्यवाद देते हैं जो भी सकारात्मक पहल करने में सहयोग किया। और उनको हम एक बात बताना चाहते हैं जो आंदोलन को बार बार सवाल खड़ा करते हैं कि आंदोलन से क्या मिलता है, आंदोलन से क्या होता है, तो हम इन लोग को बताना चाहेंगे कि देखिए आज आंदोलन का ही परिणाम है कि आज 2100 परिवार आज मुख्य धारा में जुड़े हुए हैं, आज 2100 परिवार के चेहरे पे मुस्कान आया है, आज 2100 परिवार में एक खुशी का आंखों में झलक दिख रहा है। तो अभी जो इसी प्रकार और जो हमारा बाकी मांग है, चाहे वो JPSC से संबंधित मामला हो, JSSC से संबंधित मामला हो, रोजगार से संबंधित मामला हो, या झारखंड राज्य के अंदर स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति, पुनर्वास नीति, विस्थापन नीति, ये तमाम जितने भी आंदोलन जो हम लोग का अभी जारी है, इसी तरीके से एक एक आंदोलन को हम लोग अंजाम तक पहुँचाएंगे। बस संपूर्ण राज्यवासी एकता का परिचय दे, विश्वास बनाए रखे। निश्चित ही आज सहायक पुलिस का आंदोलन सफल हुआ है तो हम लोग का बाकी आंदोलन भी सफल होगा। बस आंदोलन पर सबको विश्वास करना चाहिए और जो आदमी सवाल करते हैं आज 2100 परिवार के घर में जा करके उस खुशहाल चेहरा को देखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? आपको पता है कि हमारे हमारा जो कैबिनेट जो है वो सारा हमारा पास कर दिया गया है, मांगों को मान लिया गया है। मैं सरकार को भी धन्यवाद करना चाहूँगी, साथ में हमारे मीडिया को भी आभार व्यक्त करती हूँ, हमारे जो माननीय विधायकगण थे उनको भी आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनके द्वारा, उनके पहल के द्वारा, सभी के पहलों के द्वारा आज हमारा जो मांग है। कितना दिन तक आप लोग आंदोलन करना पड़ा? लगभग 68 दिन लोगों ने आंदोलन किया और इस आंदोलन का परिणाम हमें भले देर से सही लेकिन हमें मिला और हम इसके आभार भी व्यक्त करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि वो हमारे दुख को समझे, और अगर ये दुख को नहीं समझते तो हम भी, मेरे परिवार भी इस दुख में शामिल थे। 68 दिन हम नहीं बल्कि मेरे परिवार भी आंदोलन में थे। अभी क्या माहौल है घर का, जब आई ये बात सुना कि कल कैबिनेट में आप लोग इस बात को सुना गया, तो किस तरह का माहौल? देखिए, जब जैसे ही कल हमने 36 नंबर का जब
अंक सुना, तो सबसे पहले मैंने अपने घर पे कॉल किया और घर पे कॉल करने के बाद मैंने बताया कि ऐसा ऐसा मामला है, हमारा जो मांग था वो सहमति मुहर लग चुकी है, तो हमारे मेरी बहन है, मेरे माँ बाप को नहीं है, मेरी बहन है, तो मेरी बहन ने बोला कि इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, तमाम सभी मीडिया बंधु साथ में जो भी आए थे, हमारे देवेंद्र नाथ महोदया साथ में, हमारे माननीय विधायकगण, मुख्यमंत्री जी को भी उनके द्वारा आभार व्यक्त किया गया, वो तो यहाँ नहीं आ सकते, लेकिन मैं उनके तरफ से उनको आभार व्यक्त करती हूँ, अपने परिवार के तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ, उनके सहायक परिवार के तरफ से आभार व्यक्त कर रही हूँ, उन सभी को जिन्होंने हमारे इस योगदान में सहयोग किया और हमारी बातों को माना और हमारे। लेकिन आप लोग जो भारी मन से स्वीकार किए थे वही कैबिनेट में पास हुआ, जो आप लोग चाह रहे थे एक्चुअली में वो नहीं हुआ। देखिए भारी मन से ही सही, भारी मन जो होता है क्योंकि वो आगे का भविष्य को सोचता है कि अगर अभी इतना मिल रहा है तो फिर आगे जाकर के हमारा क्या होगा, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, जिस तरह से हमने 10,000 पे काम किया है तो आगे भी हम लोग काम करेंगे। अभी कितना बढ़ा है? 3,000 बढ़ा है, 3,000 बढ़ा है, आरक्षण कोटा में कोई आरक्षण कोटा में भी हमें लाभ मिलेगी, उनकी पहल जारी है और जल्द से जल्द ये भी हमारा काम हो जाएगा, तो हम चाहते हैं कि ये भी जल्द से जल्द पहल खत्म हो जाए, कि हम नहीं चाहते कि हमारा युवा जो है वो आधे रास्ते से ही भटक जाए, और अब तो ऐसा नहीं लगता कि वो कहीं भटकेंगे, अब तो उनको मुख्य मार्ग मुख्य धारा से जोड़ दिया गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा कर्म जो है हमें अपने वर्दी पे कर्म और कर्म के आगे काम करने के लिए मजबूर करती है, तो ये मजबूरी नहीं, अब हंसी खेलते हुए हंसी परिवार के साथ हम लोग ये ड्यूटी करेंगे। अभी आपका ड्यूटी कहाँ लगेगा? अभी देखिए अब तो हम लोग मुख्य न्यायालय में जाएंगे, मतलब हमारे जो पुलिस लाइन है मुख्यालय में जाएंगे, वहाँ पे जिस तरह से आदेश किया जाएगा, जहाँ ड्यूटी लिया जाएगा, पुलिस व्यवस्था हो या फिर ट्रैफिक व्यवस्था हो या फिर किसी भी प्रकार की ड्यूटी हो, वो करने के लिए अभी तत्पर है और हम करेंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम है दुमका जिला। तो अभी आप लोग का जिस तरह से एक साल का जो है टाइम को बढ़ा दिया गया, तो उसके बाद क्या होगा?